डियर स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम तीसरे पाठ का अंतिम टॉपिक जिसका नाम है संक्षारण से सुरक्षा के बारे में समझेंगे पिछली वीडियो में हमने संक्षारण के बारे में पढ़ा संक्षारण का मतलब होता है धातुओं पे जंग लगना जैसे हमने दैनिक जीवन में लोहे पर जंग लगते हुए देखा है इसी प्रकार से तांबे पर हरे रंग की परत का जमना भी संक्षारण है और चांदी पर काले रंग की पर जमना भी संक्षारण का ही एग्जाम्पल है संक्षारण के कारण धातुओं का हास होता है उनका नुकसान होता है और हमें आर्थिक नुकसान पहुंचता है इसलिए हम संक्षारण से सुरक्षा या संक्षारण से बचाव के उपाय हैं उनके बारे में समझेंगे कि धातुओं को जंग लगने से किस प्रकार से बचाया जा सकता है और हम इनको बचाने के लिए दैनिक जीवन में कई उपाय करते भी हैं जैसा कि पेंट करना हम अपने घरों में लोहे के दरवाजे या जो खिड़कियां हैं या अन्य वस्तुएं हैं उन पे पेंट करते हैं पॉलिश करते हैं प्राइमर करते हैं ताकि उनकी संक्षारण से सुरक्षा हो हो सके तेल लगाकर यानी कि धातों पर अपन विशेष प्रकार की जो पॉलिश होती है वो कर दें तो भी उसकी सुरक्षा अपन संक्षारण से कर सकते हैं ग्रीज लगाकर ग्रीज आप देखते हो जो ग्रीस जो मोटर गाड़ियों में घर्षण को कम करने के लिए काम में आता है मशीनों के जो पुर्जे हैं उसमें अपन ग्रीस या ऑयल लगाते हैं तो वो ही ग्रीज की बात कर रहा है एक इंपॉर्टेंट जो बात आ रही है वो ये है कि यसद लेपन इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा यहां से एग्जाम के अंदर छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि यसद लेपन क्या है या यसद लेपन किसे कहते हैं लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाकर हमें पता है कि लोहा जो है उसका संक्षारण जल्दी होता है इसलिए हम लोहे की वस्तु पर जस्ता जस्ता जिसको अपन जिंक कहते हैं जिंक यानी कि जेडन यदि हम लोहे की वस्तु पर जस्ते की परत चढ़ा दें तो संक्षारण से बचा जा सकता है लोहे की वस्तु पर जंग नहीं लगेगा तो आपने लोहे की वस्तु पर जस्ते की परत को कई बार देखा भी है जैसे आपकी साइकिल में जो पहिए में रिम है जो हैंडल है वो काफी चमकीला आपको नजर आता है वो अंदर से तो लोहा है और उसके बाहर जस्ते की परत चढ़ी हुई है इसी प्रकार से घरों में जो रेलिंग वगैरह सीढ़ियों के पास में जो रेलिंग अपन लगाते हैं छत के चारों तरफ रेलिंग लगाते हैं वो भी आजकल जस्ते की खूब आ रही है मार्केट के अंदर या अपने जो घरों में नल है वो लोहे के बने होते हैं उनके ऊपर भी जस्ते की परत चढ़ी होती है जो काफी हमको चमकीले आकर्षक लगते हैं सुंदर लगते हैं तो जिस विधि में लोहे की वस्तुओं पर हम जस्ते की चढ़ाते हैं उस विधि को कहते हैं यशद लेपन ठीक है इसी प्रकार से क्रोमियम लेपन क्रोमियम एक धातु है यदि हम लोहे की वस्तुओं पर क्रोमियम का लेप कर दें तो भी हम संक्षारण से बच सकते हैं एनोडीकरण अब ये एनोडीकरण क्या है हमने इसी पाठ के अंदर पढ़ा था चलिए देखते हैं हम आगे ले चलता हूं वहां पर ये रहा है करण में हम क्या करते हैं कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की चढ़ाते हैं यानी कि एल्यूमिनियम जो धातु है उसको संसारण से बचाने के लिए ऑक्साइड की देते हैं, हैं। विद्युत के द्वारा हम विद्युत अपघटन की प्रक्रिया करते हैं और उसमें हमें पता है कि सेल के दो किनारे हैं दो छोर हैं एक तो एनोड और एक केथोड तो यहां पर एल्युमिनियम की वस्तु को अपन क्या करते हैं एनोड की तरफ जोड़ देते हैं और सल्फिर अमल उसमें डाल देते हैं और विद्युत करते हैं तो एनोड की तरफ जो है वो ऑक्सीजन आकर्षित होती है और ये ऑक्सीजन की जो परत है वो एलुमिनियम के ऊपर चढ़ जाती है और एल्यूमिनियम संक्षारण से बच जाता है इस मेथड को ही एनोडीकरण कहते हैं यानी कि एलुमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनने की प्रक्रिया को एनोडीकरण कहा जाता है तो यहाँ पर एनोडिकरण आया था पहले अपन ने पढ़ा था और एक उपाय और है जो यहाँ लिखा है मिश्र धातु बनाकर देखो तो नाम क्या मिश्र धातु यानी कि धातुओं का मिश्रण बना दिया इसमें दो धातु भी हो सकती हैं या दो से अधिक धातुओं का मिश्रण भी हो सकता है तो मिश्र धातु बना देंगे तो भी अपन संक्षारण से बचाव कर सकेंगे लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है ये सारे जो मेथड्स हैं जो विधियां हैं वो संक्षारण से बचाव के उपाय है ठीक है जैसा कि अपन दैनिक जीवन में करते आ रहे आगे कुछ बातें हो उरायेंगी लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते जिंक की पतली परत चढ़ाने की विधि को यशद लेपन कहते हैं देखो ऊपर भी आधा ही रहा लोहे की वस्तु पर है ना लोहे इस्पात इस्पात देखो इस पाथ बोलते हैं स्टील स्टील को अपन देखते हैं जानते हैं स्टील के बर्तन आते हैं मार्केट के अंदर अपन घरों में जो बर्तन है स्टील के बर्तन भी है ठीक है तो ये उन्हीं की बात हो रही है लोहे और इस्पात को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते या जिंक की, की पर चढ़ाते हैं तो उसको यशद लेपन कहते हैं ये है, ये आप अंडरलाइन कर लीजिएगा काफी महत्वपूर्ण है जस्ते की परत नष्ट हो जाने के बाद भी यसदलिपित वस्तु जंग से सुरक्षित रहती है यानी कि यदि ये जस्ते की परत धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी तो उसके बाद भी वो जो लोहा या इस्पात की वस्तु है वो जंग से सुरक्षित रहेगी धातु के गुण धर्मों को बेहतर बनाने की अच्छी विधि मिश्रात्वन है मिश्रात्वन यानी कि धातुओं का मिश्रण है इस विधि में हम इच्छा अनुसार धातुओं के अत्यंत गुण धर्म प्राप्त कर सकते हैं यानी कि जैसे लोहे का तो एक ही गुण है अगर लोहे में दूसरे धातु मिला देंगे तो अपने पास मिश्र धातु प्राप्त हो जाएगी और उसके गुण बदल जाएंगे उदाहरण के लिए लोहा सर्वाधिक उपयोग में आने वाली धातु है लेकिन कभी भी शुद्ध अवस्था में इसका उपयोग नहीं किया जाता यानी कि लोहे का उपयोग अपन शुद्ध अवस्था में कभी भी नहीं करते हैं क्यों क्योंकि नरम होता है ठीक है ऐसा इसलिए क्योंकि शुद्ध लोहा अत्यंत नरम होता है मुलायम होगा तो ये काम का नहीं रहेगा ठीक है एवं गर्म करने पर सुगमतापूर्वक खींच जाता है इसको अपन इसलिए इसमें कुछ मिलाते हैं क्या मिलाते हैं देखिएगा लेकिन यदि इसमें थोड़ा कार्बन ये अंडरलाइन कर लीजिएगा काफी इंपोर्टेंट है कितना कार्बन मिलाते हैं पॉइंट जीरो फाइव प्रतिशत ठीक है ना जीरो पॉइंट जीरो फाइव प्रतिशत इसमें कार्बन मिला देते हैं कार्बन क्या है अधातु है और लोहा क्या है धातु तो यहाँ धातु और अधातु का मिश्रण यह हो गया है धातु और अधातु का मिश्रण भी हो सकता है तो यहां पर जब इसमें लोहे में कार्बन मिला देंगे अपन तो यह कठोर और परबल हो जाता है और इससे अपन मजबूत वस्तु बना सकते हैं मशीनों के पुर्जे रेल की पटरियां या फिर अन्य औजार लोहे के जो सरिये वगैरह हैं गाटर है वो बना सकते हैं लोहे के साथ निकल देखो तो ये काफी इंपोर्टेंट अंडलाइन कर लीजिएगा लोहे के साथ निकल एवं क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस इस इस्पात प्राप्त होता है जो कठोर होता है उसमें जंग नहीं लगता यह बात आ गई ना कोई स्टेनलेस इस इस्पात का होता है स्टील स्टेनलेस स्टील आपने सेविंग करने वाली ब्लेड देखी होगी ब्लेड जो होती है वो उस ब्लेड पे आप देखना लिखा हुआ मिलेगा आपको स्टेनलेस स्टील ठीक है उस पर जंग नहीं लगता तो यह स्टेनलेस स्टील क्या होता है लोहे के अंदर निकल निकल भी एक धातु है ठीक है और क्रोमियम भी धातु है ये मिला देते हैं और उससे अपन स्टेनलेस स्टील मिलाते हैं अब मैं इनको महत्वपूर्ण क्यों बता रहा हूं

ठीक है ये तो बात होगी स्टेनलेस स्टील की जो कि एक मिश्र धातु है इस प्रकार यदि लोहे के साथ कोई अन्य पदार्थ मिश्रित किया जाता है तो उसके गुणधर्म बदल जाते हैं वास्तव में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर किसी धातु के गुणधर्म बदले जा सकते हैं यह पदार्थ धातु या अधातु कुछ भी हो सकता है जैसे बताया मैंने लोहे के साथ में कार्बन मिला सकते हैं अपन ठीक है अधातु है या दो धातु भी हो सकते हैं दो या देखो अब मिश्र धातु किसे कहते हैं अंडरलाइन कर लीजिएगा दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं देखो समांगी मिश्रण का मतलब है उसमें एक निश्चित अनुपात होता है ठीक है ना वो धातु जो अपन काम में ले रहे हैं मिश्र धातु वो एक निश्चित अनुपात में ही मिली हुई धातुओं से बनेगा ठीक है तो समांगी मिश्रण है उसमें निश्चित अनुपात होता है तो उसको अपन मिश्र धातु कहते हैं या मिश्रातु कहते हैं शोट में इसको मिश्रातु मिश्र प्लस धातु मिश्रातु इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में जैसे लोहे में अपन को निकल या क्रोमे मिलाना है तो लोहे को अपन गलित अवस्था में ले आएंगे तत्पश्चात दूसरे तत्वों को जैसे निकल और क्रोमियम को निश्चित अनुपात में देखो निश्चित अनुपात ये महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर समांगी मिश्रण ले रहे हैं अपन काम में तो अनुपात निश्चित होता है इसमें विलीन किया जाता है और फिर इसे कमरे के ताप पर शीतलिक करते ठंडा कर देते हैं तो वापस वो कठोर हो जाता है तो इस प्रकार से मिश्र धातु बनाई जाती है तो इस किशुन ये भी आ सकता है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं कि दो मिश्र धातुओं के नाम और उनका रासायनिक संगठन बताइए तो एक तो स्टेनलेस स्टील का हो गया और आगे भी बहुत सारे मिश्र धातों के एग्जाम्पल अपने और आ रहे हैं तीन चार एग्जाम्पल आ रहे हैं वो भी अपन देखते हैं लेकिन उससे पहले बीच में ही एक आता है क्या आप जानते हैं देखो ये भी भी जो आपकी किताब में में बीच बीच में दिए गए हैं काफी महत्वपूर्ण है यहां से क्वेश्चन बनते हैं कई बार शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं आपने नाम सुना होगा 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का होता है वो काफी मुलायम और नरम होता है ये है काफी नरम होता है इसको अपन मोड़ सकते हैं ठीक है इसलिए आभूषण बनाने के लिए यह उपयुक्त नहीं होता क्योंकि अगर आभूषण अपन बना देंगे शुद्ध सोने से तो वो विकृत हो जाएंगे ठीक है जो व्यक्ति या लेडीज जो आभूषणों को पहनेगा और वो इनको कहीं रखेगा इनको छुएगा हाथ लगाएगा है ना तो ये विकृत हो जाएंगे मुड़ जाएंगे इसलिए इनको शुद्ध सोना नहीं रखते इसमें मिलावट करते हैं इसे कठोर बनाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाया जाता है काफी महत्वपूर्ण है क्या मिलाएंगे या तो चांदी मिला देंगे या तांबा मिला देंगे भारत में अधिकांश आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोने का उपयोग होता है यानी कि 22 कैरेट तो सोना ले लेंगे शुद्ध सोना 24 होता है और दो कैरेट उसमें क्या मिला देंगे अपन तांबा या चांदी मिला देंगे इसका तात्पर्य है कि 22 शुद्ध भाग जो है शुद्ध सोने का हो गया और दो भाग क्या होगा तांबा या चांदी का मिलाया जाता है तो यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि शुद्ध सोना चौबीस कैरेट का होता है परंतु फिर भी हम बाईस कैरेट के सोने से ही आभूषण क्यों बनाते हैं क्यों क्योंकि शुद्ध सोना चौबीस कैरेट है वो काफी नरम होता है और आभूषण बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है अच्छा नहीं है ठीक है इसलिए हम उसमें चांदी या तांबा मिलाते हैं और कितना मिलाते हैं दो भाग मिलाते हैं ठीक है क्योंकि चौबीस में से बाईस तो क्या हो सोना हो गया और दो भाग हो गया चांदी या तांबे का ठीक है अब देखो अपन बात कर रहे थे मिश्र धातुओं की तो मिश्र धातु में यदि कोई एक धातु पारद है काफी महत्वपूर्ण अंडरलाइन कर लीजिएगा पारा पारा बोल दीजिए या मरकदी बोल दीजिए या पारद बोल दीजिए एक ही बात है जो कि एक धातु है पारा क्या है एक धातु है ठीक है जो की दर्मास्था में पाया जाता है यदि मिश्र धातु में एक धातु क्या है पारा है तो उस मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं काफी महत्वपूर्ण है अमलगम की शे कहते हैं परिभाषा एक नंबर की पूछी गई है कई बार तो हम लोग को क्या लिखना है यदि मिश्र धातु में एक धातु पारा है तो उस मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्र धातु की चालकता एवं गलनांक कम होते हैं जैसे मान लीजिए चांदी की विद्युत चालकता अच्छी होती है परंतु अगर उसमें कुछ अन्य पदार्थ मिला देंगे तो उसकी चालकता कम हो जाएगी ठीक है चालकता घट जाती है अब देखो यहाँ पर मैंने आपको ये बताया था कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मिश्र धातु किसे कहते हैं और दो या तीन या चार मिश्र धातुओं के उदाहरण दीजिए तो एक तो ऊपर आ गया स्टेनलेस स्टील का एग्जाम्पल दूसरा उदाहरण आप देखिएगा उदाहरण के लिए तांबे एवं जस्ते की मिश्र धातु से पीतल बनता है काफी महत्वपूर्ण है तांबा और जस्ता अगर इसको मिला दें कॉपर और जिंक को तो क्या बन जाएगा पीतल बनेगा पीतल के बर्तन होते हैं ना मार्केट में बर्तन आते हैं अपने घरों के अंदर रखते हैं पीतल के बर्तन ठीक है दूसरा क्या है तांबा और टिन अगर तांबे को और टिन को ऊपर मिला दें ठीक है तो इससे जो धातु बनती है वो है कांसा वो क्या बनता है कांसा ठीक है ये विद्युत के कुचालक है यानी कि यहां कहने का लव क्या है अकेला तांबा तो क्या है विद्युत का सुचालक काफी अच्छा सुचालक होता है लेकिन हमने इसके साथ में मिश्र धातु मिला दी जिंक को मिला दिया इसी प्रकार से तांबे के साथ में हमने टिन मिला दिया ठीक है ना एसन जिसका प्रतीक चिन्ह है टिन चिन्हते हैं तो धातु जो है विद्युत के कुचालक होते हैं तो कहने का मतलब यह हुआ कि इनके गुण बदल जाते हैं ठीक है मिश्र धातु बनाने पर इनके गुण भी बदल जाते हैं तो यहां आप समझ रहे होंगे यहां से कृष्णार्था कि पीतल किन मिश्र धातुओं से मिलकर बना है तो तांबा और जस्ता क्लियर दूसरा क्या है कासा किसे बना है कोपर और ऐसन देखो कासा एग्जाम्पल मैं बता दू याद करने का तरीका कासा यानी कि कैसे कोपर ऐसन ठीक है ना नाम क्या है का सा तो कासे से आप याद कर लीजिएगा का मतलब का यहां कोपर है सा से यानी कि ऐसन है ठीक है ना कासा और पीतल जो है ये कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है क्लियर अब देखो यहां पर एक चीज और आ गई यह भी जानिए यह भी महत्वपूर्ण है आपने इतिहास की पुस्तक में अपनी जो आपके सामाजिक विज्ञान की जो किताब है उसमें दिल्ली में स्थित लोहा स्तंभ के बारे में जरूर पढ़ा होगा दिल्ली के अंदर एक लोहा स्तंभ है ठीक है कुतुब मीनार के बारे में पढ़ा होगा उसी प्रकार से लोहे का स्तंभ देखो चित्र में देखिए पूरा लोहे का बना हुआ है ये स्तंभ स्तंभ कहना था खंबा ठीक है काफी ऊंचा खंबा है लगभग आठ मीटर ऊंचा है ये इसकी ऊंचाई कितनी है आठ मीटर लगभग 1600 सो वर्ष पूर्व भारत के लोहा कर्मियों ने दिल्ली में एक लोहा स्तंभ बनाया देखो 1600 सो साल पहले की बात है यानी कि हमारा भारत में जो विज्ञान है उस समय भी काफी अच्छा था अन्य देशों की तुलना में ठीक है तो 1600 सो साल पहले हमने लोहे का एक ऐसा स्तंभ बना दिया जिस पर आज भी जंग नहीं लग रहा है इतने सालों तक वो जंग से सुरक्षित है वो सर्दियों में गर्मियों में बरसात में ठीक है बाहर रखा हुआ है लेकिन उस पर जंग नहीं आ रहा था इसका अपना विज्ञान काफी एडवांस था उस समय काफी आगे था उन्होंने जंग से लोहे को बचाने के लिए विधि विकसित की इस, इस की जंग जंगता से प्रतिरोधकता का अवलोकन विश्व के कई वैज्ञानिक भी कर चुके हैं दूसरे देशों के वैज्ञानिक भी आते हैं देखने के लिए सब क्या चमत्कार है इसके ने क्या जादू है किस पे जंग नहीं लगता तो उस समय सोलह सौ साल पहले हमारे देश के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने जो लोहे का स्तंभ बनाया था ठीक है और उसमें ऐसी अन्य धातु का मिश्रण मिला दिया जिसके कारण इस पे जंग नहीं लग रहा है यह स्तंभ कुतुब मीनार के निकट स्थित है दिल्ली में जो कुतुब मीनार है उसके पास में स्थित है यह लोहे स्तंभ 8 मीटर ऊंचा कितना ऊंचा है इसकी ऊंचाई 8 मीटर है तथा तो इसका भार 6 टन यानी कि हजार किलो इसका वजन है काफी वजन वाला है यह ठीक है तो यह आप दिल्ली में जब भी आप कभी जाते हो तो आप जरूर देख के आना आगे लिखा है अपन तांबे की और काशे की यहाँ बात चल रही थी वो हमने पढ़ लिया था ना पीतल और काशे की बात चल रही थी उनके बारे में हमने पढ़ा लेकिन लिखा है लेकिन तांबे का उपयोग विद्युतीय परिपथ बनाने में क्या आता है यानी कि हमने पढ़ा कि पीतल और कांसा जो है विद्युत के कुचालक है क्योंकि मिश्र धातु बनने के कारण इनके गुण बदल जाते हैं एक मिश्र धातु और है हमने स्टेनलेस स्टील के बारे में पढ़ लिया पीतल के बारे में पढ़ लिया कासे के बारे में पढ़ लिया अब है शोल्डर एक मिश्र धातु है ठीक है सोल्डर एक तार होता है सीसा और टिन सीसा जिसको अपन पीबी कहते हैं सीसा या लेड बोल दीजिए और टिन यानी कि एस एन पीबी और एस एन एक मिश्र धातु है उससे सोल्डर बनता है क्या बनता है सोल्डर मिश्र धातु बनती है इसका गलनांक बहुत कम होता है इसका उपयोग विद्युत तारों को परस्पर वेल्डिंग के लिए करता है आपने देखा होगा जो मैकेनिक बिजली के सामान के जो मैकेनिक होते हैं बिजली के उपकरणों को सुधारने वाले ठीक है जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं जैसे टीवी है रेडियो है या बिजली के और उपकरण है ठीक है आयरन वगैरह उनको ठीक करने के लिए उनके पास एक छोटा सा एक पतला सा एक वायर होता है वायर रखते हैं ठीक है और उस वायर को वो गर्म करके पिघला करके उनको तारों को जोड़ने का काम करते हैं जो तार है जो परिपथ है उनको जोड़ने का काम करते हैं ठीक है तो जोड़ने को अपन कहते हैं वेल्डिंग करना वेल्डिंग यानी कि जोड़ना वेल्ड करना तो विद्युत तारों को, को जोड़ने के लिए हम सोल्डर तार का प्रयोग काम लेते हैं अगर आपके गांव में या शहर में आसपास कहीं पर ऐसी कोई दुकान है तो आप वहां जाकर के उनसे पूछिएगा सर मेरे को सोल्डर तार दिखाइएगा तो आप सोल्डर तार तार जो है वो जरूर देखिएगा सोल्डर एक मिश्र धातु है जो कि सीसा और टिन ठीक है पीबी और असन की मिश्र धातु से बना है ये काफी महत्वपूर्ण है तो आपके क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि नहीं दो मिश्र धातु के नाम और दैनिक जीवन में उपयोग बताइए तो पीतल है कासा उसके बर्तन बनते हैं ठीक है सोल्डर तार है वो विद्युत जो उपकरण है उनके तारों को वेल्डिंग करने के काम आता है और ये किन किन से मिलकर बना है ये भी आपको जरूर याद करना है तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है से सुरक्षा वाला इसमें मिश्र का जो पॉइंट है वो काफी महत्वपूर्ण है यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है तो चार मिश्र धातु आपने बता दी है तो सोल्डर वाली ठीक है एक कासा वाला इन चारों को आपको याद करना है एक पिछले पेज पर यहाँता है पीतल के बारे में और एक यहाँ आया था ऊपर अभी स्टेनलेस स्टील के बारे में स्टेनलेस स्टील के बारे में ठीक है ना ये आप बिल्कुल याद करना है आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है और ये अपने पाठ का लास्ट टॉपिक था और अंत में पाठ में यहाँ जो इस टॉपिक से संबंधित जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं उनको अपन अगले वीडियो में समझेंगे यहाँ पर तीन क्वेश्चन जो है वो आप देख पा रहे हैं किताब में और ये प्रश्न करने के बाद में हम इस पाठ में जो महत्वपूर्ण बातें हैं आपने क्या सीखा उनको समझेंगे और उसके बाद में हम इस पाठ के अंत में जो प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों को समझेंगे धन्यवाद